देखिए पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, सहयोग, संवाद और सहकारिता बेहद जरूरी है। वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगा दिया है। सरकार के अनुसार यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, देश के नागरिकों को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए उकसाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट बैठक में डीएड शिक्षकों को मिलने वाले वेतन राशि 6,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम एकनाथ शिंदे ने की। उमर अब्दुल्ला को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उमर ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन वाली चिट्ठी पर बातचीत जारी है। 4 निर्दलीय विधायकों ने भी उमर सरकार को समर्थन दिया है। अब बिना कांग्रेस के भी एनसी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। दिल्ली सरकार ने विधायकों का विकास फंड बढ़ाने का फैसला किया है। आज हुई बैठक में इसे 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। यह धनराशि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने रतन टाटा का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित करने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में स्पेशल सेल ने 200 किलो कोकीन बरामद की है। जब्त ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ बताई गई है। इससे पहले दिल्ली में 2 अक्टूबर को 500 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुए थे। आज साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई। इस वर्ष पुरस्कार साउथ कोरिया की हैन कॉन्ग को मिला है। उनका लेखन अक्सर मानव मनोविज्ञान, अस्तित्व और सामाजिक मुद्दों की गहराई में जाता है। उनकी शैली संवेदनशील और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगले महीने होने वाला डेविस कप फाइनल नडाल के करियर का आखिरी इवेंट होगा। आज उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को संन्यास वाले फैसले की जानकारी दी।